कि आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग के बारे में पता है, जिसे पेंटागन की शेप में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पेंटागन बिल्डिंग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे इसके बारे में 9 अमेजिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम US डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का हेडक्वार्टर म्यूनिशन बिल्डिंग में हुआ करता था, जिसके 7 डिपार्टमेंट कई और बिल्डिंग्स में भी फैला हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने बाद वॉर डिपार्टमेंट तेजी से बढ़ रहा था और साथ ही उसमें लोग भी। तब US के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने प्रेसिडेंट से एक नए बिल्डिंग के लिए कहा, जो डिपार्टमेंट के स्पेस प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म कर दे। तब डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन चीफ जनरल पेंटागन के आइडिया को सामने लाए, जिसे पोटोमैक रिवर की दूसरी तरफ आर्लिंगटन वर्जीनिया में केवल 4 स्टोरी जितना ऊंचा बनाया जाना था, जिसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में आ सके। जिसके लिए 280 एकड़ लैंड्स को अलॉट किया गया, जिसमें से 34 एकर्स में पेंटागन बिल्डिंग और 67 एकर्स में पार्किंग बनाया जाना था। पेंटागन बिल्डिंग को 1941 में बनाना शुरू किया गया था और ये केवल 16 महीनों में कंप्लीट हो गई थी। जिसे डिजाइन किया था आर्किटेक्ट जॉर्ज ब्रेकस्ट्रोम और डेविड जे विटमर ने, जिसे पेंटागन शेप में 22 मीटर जितना ऊंचा बनाया गया था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 5 फ्लोर्स और नीचे 2 बेसमेंट्स थे, जिसका टोटल फ्लोर एरिया 150 एकड़ जितना था, जिसमें 25,000 लोग काम कर सकते थे। चलिए जानते हैं पेंटागन बिल्डिंग के बारे में 9 अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, बिल्डिंग का पेंटागन से उसके पहले जमीन जिस पर उसे बनाया जाना था वहां के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें जमीन की बाउंड्रीज 5 साइड से रोड से घिरी हुई थी, जिसके बनने बाद वाशिंगटन शहर का व्यू ब्लॉक हो जाने के डर से और फिर टाइम की कमी के कारण बिल्डिंग को उसी शेप में दूसरे साइड पर बना दिया गया। दूसरा, बिल्डिंग के प्लान को पेंटागन शेप के 5 रिंग्स में बांटा गया है, जिसका नाम ABCD और E रखा गया है, जिसमें से E रिंग बाहर की तरफ है, जो सीनियर ऑफिशियल्स के लिए है। साथ ही बेसमेंट में एक्स्ट्रा 2 रिंग्स भी हैं, जिनके नाम F और G है। तीसरा, रिंग्स के बीच में कॉरिडोर्स हैं और सारे फ्लोर्स के कॉरिडोर्स को मिलाकर टोटल लेंथ 28 किलोमीटर जितना है। वही रिंग के सेंटर में 5 एकर्स में फैला एक बड़ा सा प्लाजा भी है, जिसका निकनेम ग्राउंड जीरो रखा गया है। चौथा, बिल्डिंग में 5 एंट्री फेसेस हैं। नॉर्थ के साइड मॉल एंट्रेंस फसाड, नॉर्थ ईस्ट के साइड रिवर एंट्रेंस फसाड, साउथ ईस्ट के साइड मेट्रो स्टेशन फसाड, साउथ वेस्ट के साइड पार्किंग फसाड और नॉर्थ वेस्ट के साइड हेलीपोर्ट फसाड, जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। पांचवा, पेंटागन बिल्डिंग के हर एक साइड का लेंथ 280 मीटर जितना है, जिसे 41,000 कंक्रीट पाइल्स के ऊपर बनाया गया है, जिसमें 15,000 वर्कर्स लग गए थे। बिल्डिंग के इतने बड़े होने के बावजूद इसके डिजाइन के कारण बिल्डिंग के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच जाने में केवल 7 मिनट्स लगते हैं। छठा, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम स्टील की कमी होने के कारण बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बनाया गया था। साथ ही बिल्डिंग में लिफ्ट के बजाय कंक्रीट रैंप्स बनाए गए थे, जिससे लोग फ्लोर्स के ऊपर जा सके। सातवां, पहले बिल्डिंग को रेसियल सेग्रीगेशन लॉस के कारण व्हाइट और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया था, जहां उनके खाने का स्पेस, रहने का स्पेस और साथ ही टॉयलेट्स भी अलग अलग बनाए गए थे, जिसे देखने बाद प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने हटवा दिया। आठवां, बिल्डिंग को 1998 से 2011 के बीच फेजेस में दोबारा कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया गया था, जिसमें 70 पैसेंजर एलिवेटर्स लगाए गए थे, जिससे पहले जो लोग स्टेयर्स यूज नहीं कर पाते थे वह फ्लोर्स पर जाने के लिए रैंप यूज किया करते थे, जो अभी भी वही है। नौवां, रेनोवेशन के बीच 2001 में टेरेस ने प्लेन हाईजैक करके पेंटागन बिल्डिंग के वेस्टर्न साइड में टकरा दिया, जिससे बिल्डिंग में काम करने वाले 125 लोग और साथ ही प्लेन में बैठे 64 लोग मर गए, जिसके याद में पेंटागन मेमोरियल पार्क बनाया गया, जिसमें हर एक इंसान के लिए 189 बेंचेस रखे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।